इतिहास में की गई या अपने आप परिस्थितिजन्य हुई गलतियों से क्या हम वर्तमान में उन्हें ठीक करके अपने भविष्य को नहीं सुधार सकते? यदि अब भी हम नहीं समझे तो भविष्य अत्यंत अंधकार में होगा। देखिए वीडियो और इतिहास की गलतियों से कुछ सीखिए। नमस्कार दोस्तों, हमारे इतिहास में ऐसे बहुत से वाक्य दर्ज हैं जो यदि ना हुए होते या वो कुछ अलग कुछ हुआ होता तो शायद वर्तमान स्थिति कुछ और होती और हमारा आने वाला भविष्य कुछ और होता। लेकिन अब भी हम उन गलतियों से सीख नहीं रहे हैं तो हमारा भविष्य अंधकार में होगा। यदि हम उनसे सीख जाएं तो शायद आने वाला भविष्य कुछ और होगा। आइए कुछ बातों पर ध्यान देते हैं कि अगर पोरस ने सिकंदर को भागने देने की बजाय उसे मार दिया होता तो आज इतिहास कुछ और होता। उसी तरह अगर जयचंद ने मोहम्मद गोरी का साथ ना दिया होता या पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 17 बार माफ न किया होता और उसे पहली बार में ही मार दिया होता तो शायद इतिहास कुछ और होता। अगर राणा सांगा ने युद्ध में बाबर को मार दिया होता तो भी इतिहास कुछ और ही होता। अगर सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों से युद्ध जीत लिया होता तो भी इतिहास दूसरा होता। इतिहास ही क्यों, देश के बंटवारे के बाद अगर गांधी जी ने समझौते के अनुसार सभी मुस्लिमों को पाकिस्तान भेज दिया होता, जैसा कि बाबा साहेब अम्बेडकर भी चाहते थे, और वहां से सारे हिंदुओं को भारत बुला लिया होता तो आज कोई भी मुसीबत शायद ना होती। आज़ादी के बाद यदि नेहरू जी की जगह पटेल जी प्रधानमंत्री बने होते तो सोचिए हमारा देश कहाँ होता और आज क्या मुसीबतें होती जो अब हैं। अगर संविधान में सिर्फ एक लाइन, जो कि होना भी चाहिए था, कि इंडिया दैट इज कॉल्ड भारत इज अ हिंदू राष्ट्र, जी हाँ, क्योंकि धर्म के आधार पर हमारे देश का बंटवारा हुआ था तो भारत को हिंदू राष्ट्र ही होना चाहिए था, यदि ये लिख लिया गया होता तो सारी मुसीबतें उसी समय समाप्त हो गई होती। लेकिन दुर्भाग्य ये सब कुछ नहीं हो सका और उन सब का परिणाम हमारे सामने है कि कुछ 20-30 करोड़ जो उस समय 2-3 करोड़ थे वो आज हमारे सर पर चढ़कर नाच रहे हैं। हम इतिहास को बदल तो नहीं सकते और न ही किसी टाइम मशीन में जाकर उस परिस्थिति को बदल सकते हैं। साथ ही हमें ये मालूम नहीं कि उस समय क्या परिस्थिति रही होगी कि जिस कारण हमारे नायकों ने ऐसे फैसले लिए होंगे। लेकिन हाँ, हम अपने इतिहास में की गई गलतियाँ या लापरवाहियाँ, इनसे हम सीख सकते हैं और उस समय की छोटी छोटी गलतियों की आज तक कितनी बड़ी कीमत चुका रहे हैं ये हम समझ सकते हैं। और आज हमारे इतिहास को रिव्यू करके उसे समझने का समय है। आज देश बदल रहा है, आज प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आवास में इफ्तार की जगह कन्या पूजन हो रही है, नवरात्रि के उपवास रखे जा रहे हैं, स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हज सब्सिडी बंद कर दी गई है, इस्लामी जबड़े से कश्मीर और अयोध्या को छीन लिया गया है, असम में मदरसे बंद करने के आदेश पारित हो चुके हैं, सारे कटेसरों और उनके समर्थकों में खलबली मची हुई है। ये ठीक वैसा ही है जब हेमू अकबर से युद्ध में काफी भारी पड़ रहा था और अगर युद्ध जारी रहा तो निश्चय ही जीत हेमू की होगी और मुगलिया सल्तनत के पैर उखड़ जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच सिर्फ एक ही डर लग रहा है कि कहीं अपनों के ही उतावलेपन के कारण हेमू के आँख में तीर ना लग जाए और हम जीता हुआ युद्ध कहीं हार ना जाए। और जहाँ एक बात रह गई कि मोदी ने ये नहीं किया वो नहीं किया, तो उसका बहुत ही आसान सा जवाब है कि आप ग्लास को आधा खाली देख रहे हो और मैं ग्लास को आधा भरा हुआ। इसलिए अगर कोई इस युद्ध में सहयोग न कर सकता है तो ना सही, लेकिन उतावलेपन में हेमू की आंख में तीर मारने की गलती ना करें। क्या पता कि अभी वर्तमान में हम कुछ बातों को लेकर मोदी का विरोध कर रहे हैं और उन्हें हराने की बात कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में फिर कोई लिखेगा कि अगर भारत में मोदी या बीजेपी की सरकार 10-15 साल और रह गई होती तो आज भारत का इतिहास दूसरा होता, क्योंकि जो चीज़ बड़ी होती है वो नज़दीक से संपूर्ण रूप से दिखाई नहीं देती।
बड़ी चीज को पूरी तरह संपूर्ण रूप से देखने के लिए दूरी की जरूरत होती है, और देश एवं धर्म के संदर्भ में वो दूरी समय है। आशा है ये वीडियो बहुत कुछ समझाएगा और आपको ये पसंद आएगा। आप इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि जो भी इसे सुने उसे कुछ समझ आए, और शायद आने वाले समय के जो हमारा भविष्य है हम उसे कुछ बदल सकें। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की।